हेलो दोस्तों, वेलकम इन सेफ्टी वॉरियर्स। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि एग्जाम में पंप के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। ऑब्वियसली उन्होंने एक्टिविटीज़ में नहीं डाला, लेकिन आपको पंप के बारे में भी पूछा जा सकता है और पंप से रिलेटेड और भी बहुत सारी बारीकियाँ हैं जिनके बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो जो भी राजस्थान फायर फाइटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ज़रूर ये चीज़ें ध्यान में रखें कि पंप से रिलेटेड सारी चीज़ें जान कर जाएँ, वहाँ पे सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेफ्टी और इस एकेडमी में जो ट्रेनर हैं, वो हर चीज़ के बारे में बता रहे हैं। अभी पंप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उनके ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और जो फायर टेंडर हैं उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हर चीज़ें जो कि बारीकियाँ हैं और जो एसेंशियल हैं, उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड थिंक अबाउट इट। किसी भी चीज़ को इग्नोर मत करना, एग्ज़ाम के लिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे रिटर्न की बात करें तो रिटर्न में भी आपको सिलेबस से अलग कुछ पूछा गया था, मतलब आउट ऑफ सिलेबस कुछ चीज़ें आ जाती, उसी तरीके से आप फायर का जो फिजिकल प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं वहाँ पे वायुमा में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हर एक चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप स्ट्रक्चर तरीके से बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन सेफ्टी वॉरियर्स। माय नेम इज राकेश कुमार, आई एम सर्टिफाइड फायर प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट, माय एक्सपीरियंस इज 20 ईयर्स, और मेरे नंबर है 9821006244 एंड 9873006271। तो जानिए हर इन्फॉर्मेशन को, हर जो भी एग्ज़ाम में आपको बेहतर मार्क्स दिलावाएं, तो उसी के बेसिस पे आप आगे बढ़ पाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।